जय हिंद साथियों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं CITS फीटर ग्रुप या फिर मैकेनिकल ग्रुप के और उसके साथ में अदर ट्रेड्स भी देखिए, मशीनिस्ट टर्नर मशीनिस्ट हो गया, फिर यहाँ पे आपका MMTM हो गया, फिर एडवांस मशीन टूल हो गया। इन सभी ट्रेड्स का यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं CITS के जो प्रीवियसली पूछे गए हैं, अलग अलग ईयर्स का मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ क्वेश्चन। हालांकि अभी समय कम इस वजह से मेरे पास सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, बट क्वेश्चन आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, देखिए क्या क्या पूछा गया है इस तरह से जो है और अदर ईयर्स की भी। तो ये हम लोग बात करें, देखिए December 2018 में पूछा गया था, फ्री हैंड स्केच बनाना था बॉल पिन हैमर का, BSW थ्रेड का, फाउंडेशन बोल्ट का, फिर क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग और कैस्टल नट का। उसको देखिए यहाँ पे जो है आपको जो है एंगल थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ड्रॉ करना था, ये ड्राइंग दिया गया था, ठीक है, जो कि आप लोगों का 15-10-10 मतलब कि 35 नंबर का था ये। तो ये देखिए 100 मार्क्स का पहले हुआ करता था, उस टाइम का है। और यहाँ नीचे हम लोग बात करेंगे तो बस इतना भी ख़त्म था, इसलिए दूसरा देखते हैं हम, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। चलिए मैं दूसरा ईयर का दिखाता हूँ। उसी ईयर का जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें भी आपको आइसोमेट्रिक ड्रॉ द आइसोमेट्रिक यूजिंग यहाँ पे ड्रॉ करना था, देखिए आइसोमेट्रिक ड्रॉ करना था इस क्वेश्चन का। ये 35 नंबर का क्वेश्चन दिया गया था, देखिए ये क्वेश्चन है, तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए मैं आप लोगों को अगले ईयर का दिखा दूँ। तो साथियों ये वाला देख लीजिए 2016 का है, January 2016 का। ये भी वही फीटर टर्नर मशीनिस्ट ग्राइंडर हो गया, फिर टूल एंड डाई मेकिंग MMTM ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल। इनके लिए देखिए 100 मार्क्स हैं, 4 घंटे का पेपर हुआ करता था। यहाँ पे आप लोग को कोई सभी 6 बनाना था, फ्री हैंड स्केच रेक्टेंगल का, फिर स्प्लिट वाशर का, स्क्वायर थ्रेड का, स्वान नट का, कोन रिवर का, ये सभी हैं सॉलिड सिलेंडर। इसका सॉल्यूशन शायद मैं दिया हूँ, एक और वीडियो है चेकआउट कर लीजिएगा, इसका मैं सॉल्यूशन शायद आप लोग को दिया हूँ, ठीक है, तो वो उसका डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, पूरा सॉल्यूशन है। इसमें देखिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन इसका बनाना था, इस ड्राइंग का, ये सभी पूछे गए CITS के क्वेश्चन। चलिए अब अगला ईयर का देखते हैं। तो ये ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें देखिए और 35 नंबर का यहाँ पे और भी दिया गया है क्वेश्चंस। इसमें भी आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाना था, जहाँ कि ये जो सामने वाला फ्रंट है और इसका आप लोग को बनाना था। और नीचे बढ़ेंगे तो नीचे भी देखिए इसी तरह से दिए गए हैं आपको, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और जो है साइड व्यू, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में इसको ड्रॉ करना था। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लेकर के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। अब इस साल का देखिए June 2022 में जो हुआ था, जो कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुआ था, तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड है, कारपेंटर, फाउंड्रीमेंट, शीट मेटल वर्कर है, फिर यहाँ पे ऑल वेल्डर्स, सभी वेल्डर का यहाँ पे, फिर आपका प्लम्बर हो गया, मैकेनिक हो गया, फिटर का भी यहाँ पे, MMV का भी है, और टूल एंड डाई मेकिंग, इन सभी के ट्रेड्स का देखिए, यहाँ ट्रेड्स आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। 50 मार्क्स का 3 घंटे के लिए पेपर हुआ था। यहाँ पे फ्री हैंड स्केच बनाना था, कोई 3 बनाना था, जिसमें कि कॉल्ड चीजल, टोंग हो गया, नट एंड बोल्ट हो गया, पिलर हो गया, उसके बाद फिर एनविल हो गया, या फिर 15 मार्क्स में यहाँ पे भी जो फ्री हैंड स्केच बनाना था, विंग नट, बेयरिंग पुलर, नट एंड बोल्ट, तो ये भी और में लगा हुआ है, तो 15 का तीनों में से और में कोई बना सकते थे। फिर यहाँ पे इलिप्स ड्रॉ करना था, 120 mm मेजर एक्सिस और 60 mm जो है माइनर एक्सिस, ये 4 सेंट्रल मेथड से बनाना था आपको। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये जो है इस बार का पूछा गया था, तो हो सकता है इसमें से कुछ आया आप लोग का इस बार भी। अब बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन जो 35 मार्क्स का पूछा गया था, इसमें देखिए आप लोग को वही थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाना, अगर कुछ नहीं दिया रहे तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाना है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाना था। ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और इसका सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड किया हूँ, तो चेकआउट कर लीजिएगा, दूसरा वीडियो आप लोग को डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, इलेक्ट्रिशियन का भी दिए हुए हैं। इलेक्ट्रिशियन का जो है फ्री हैंड स्केचिंग और जो है सिम्बॉल्स का एक पर्टिकुलरली वीडियो है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट सब है, जो कि यहाँ पर NSTI में भी प्रिडिक्ट किया गया है, तो वो सब क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा आप लोग। तो देख लीजिए इसका आप लोगों को क्या बनाना था, तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाना था, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को जो मैं इन्फॉर्मेशन दिया हूँ यहाँ पे, अलग अलग जो ईयर्स के जो क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड किया हूँ, इससे आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा, और फ्यूचर में मैं इस पर कोशिश करूँगा कि आप लोग को सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूँ। तो चैनल पर बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को दोस्तों को वीडियो शेयर कर सकते हैं अपने NSTI ITOTs के जितने भी ग्रुप्स कॉलेजेस में हैं। तो धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।